तो आज इसको पूरी तरह चमकाने वाले हम। सो हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू YD व्लॉग्स। तो कैसे हो सारे, आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो मेरे पीछे देख रहे हो आप एक्सेंट, ये कल ही शोरूम से आई है और देखिए यहाँ की चमक और यहाँ की चमक में आप फर्क देख रहे होंगे। थोड़ा डल पड़ रही थी गाड़ी, थोड़ा ब्लैक ही शेड आ रहा था, ये देखिए बिल्कुल शाइन नहीं कर रही है। तो आज इसको पूरी तरह चमकाने वाले हम, पूरी रबिंग करेंगे। तो ये आ रखे हैं बंदे जो आज गाड़ी में 3M की पॉलिश करेंगे। ये होती है 3M, ये पूरी रबिंग पॉलिश होती है ना जी, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी। अच्छा, बेस्ट क्वालिटी, 3M में कई क्वालिटी, ये भी है। अच्छा, तो प्रोटेक्शन रहता है इससे पूरा जी, है ना? बस दो कलर फेड होता है, धूप और बारिश। अच्छा, वो सब चमक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर छाया में गाड़ी सेट के नीचे रहे ना जी, तो कलर डल नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जो धूप से ही कलर में फर्क पड़ता है, जो पीला पना जाता है। तो आज हम 3M की रबिंग पॉलिश गाड़ी में करवाने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा प्रोसीजर रहता है और कितना टाइम लगता है इस गाड़ी को करने में। तो सब कुछ आज डिटेल में आपको बताएंगे। तो अभी गाड़ी हल्की क्लीन की जा रही है ताकि धूल मिट्टी जो हो वो निकल जाए। बिफोर आपने देख ही लिए गाड़ी, इसके बाद आप पूरी चमक देखना गाड़ी की। ये है कुछ अभी बिना रबिंग के गाड़ी ऐसी है, और रबिंग कराने के बाद आप देखना कैसी हो जाएगी। तो इसकी कितनी कोट मारी जाएगी? दूसरा कोट मारा है। दूसरा कोट जी जी, ठीक है। तो इस पूरी जगह दो दो बार, दो दो बार, ठीक है ठीक है। बारिश काफ़ी दिक्कत दे रही है, देखिए बारिश की वजह से काम प्रॉपरली हो नहीं पा रहा। तो अभी छत में चल रहा है काम, ये साइड पूरी हो गई है कंप्लीट, और अभी आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। इधर लगेगा पता, ये दरवाज़ा जो नहीं हुआ है। अच्छा, आप देखेंगे ना, दरवाज़ा डल दिख रहा है जो नहीं हुआ। अच्छा, हाँ ये दरवाज़ा देखिए, फ़र्क आपको ऐसे पता लग रहा होगा। तो मोस्टली सारा काम हो चुका है, और देखिए थोड़ा साइड कोने रह गए हैं, बाकी गाड़ी पूरी तरह रबिंग हो चुकी है, एकदम चमक रही है। अभी बस कपड़ा लगना है और उसके बाद गाड़ी एकदम चमक जाएगी। तो आज आपको सिनेमैटिक्स दिखाएंगे कार के। तो ये रही वो पॉलिश, 3M पॉलिश जो आज पूरी गाड़ी में हुई है विद रबिंग, 3M रबिंग कंपाउंड, 3M रबिंग कंपाउंड। तो ये अभी गाड़ी पूरी साफ हो रही है और उसके बाद बस। देखा मेरी एक्सेंट कार को, जिसको मैंने कराई पूरी तरह रबिंग। तो आपको बताता हूँ मैं रबिंग में कितना मेरा खर्चा आया है, आप जान के हैरान हो जाओगे। मेरा रबिंग में आया है सिर्फ 1000 रुपीज़ का खर्चा, और साल साल में आपको रबिंग करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
गाड़ी की जो पेंट प्रोटेक्शन होती है वो रबिंग से ही होती है, जो गाड़ी में धूल मिट्टी जो चिपक जाती है जो वॉशिंग से नहीं निकलती है, तो वो रबिंग उसको अच्छे से क्लियर कर देता है। तो टाइम टाइम पे आप रबिंग जरूर कराइए गाड़ी की, और गाड़ी की शाइन को मेंटेन रखिए। और अगर आप लोग भी अगर रबिंग करवाना चाहते हो, आप लोग की गाड़ी पीली पड़ चुकी है, वाइट गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कत आती है, पीलापन काफ़ी पड़ जाता है गाड़ियों में, तो रबिंग एक इलाज है। और 3M की रबिंग आप ज़रूर करवाइए, 3M बस 3M की करवाइए, बाकी अदर ब्रांड यूज ना कीजिए, क्योंकि मैं भी जब भी कराता हूँ 3M की कराता हूँ, और मेरी गाड़ी को 7 साल से ज़्यादा हो चुका है, 7 साल में मेरी गाड़ी की चमक वही बरकरार है अभी भी। तो आप लोग अगर रबिंग कराना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस भाई का नंबर दे दूंगा, वो शोरूम का ही बंदा था, सैटरडे को उनको छुट्टी होती है इसलिए वो सैटरडे को ही करेंगे काम। तो अगर आप लोग उनसे कुछ करवाना चाहते हो तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्ट बात कीजिए। बड़ी गाड़ियों का वो लेते हैं 2000 रुपये चार्ज, और छोटी गाड़ियों का 1000 से 1200 रुपये लेते हैं, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। अगर आप मार्केट में भी और शोरूम में भी कराओगे तो 2500-2500 रुपये कहीं नहीं जाने के आपके, तो 1000 रुपये में घर बैठे आपको सर्विस मिल जाएगी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और 3M की ओरिजिनल पॉलिश देते हैं गाड़ी, आपने अभी सिनेमेटिक्स देखे काफ़ी चमक रही है। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय, और कल मिलते हैं संडे राइड पे, तो बाय बाय गाइज़।